हाय फ्रेंड्स, इससे पहले के दो लेक्चर में हमने इस बात को जानने की कोशिश की थी कि पीएचडी किस तरह की जाती है और जीआरएफ क्या होता है, जीआरएफ में कितना अमाउंट मिलता है और जीआरएफ का अमाउंट कब से मिलना शुरू होता है। अगर आपने वो दो लेक्चर अब तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों लेक्चर को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। हमने सेकंड लेक्चर में अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म की थी, रेट, पेट, सेट और नेट एग्ज़ाम में क्या फ़र्क होता है। तो इसमें जो दो एग्ज़ाम है, रेट और पेट, इसका इनेकाद यूनिवर्सिटी करती है, जबकि सेट का इनेकाद वो स्टेट लेवल पर होता है और नेट का एग्ज़ाम जो मुनक्किद होता है वो कंट्री लेवल पर होता है। रेट और पेट ये दो ऐसे इम्तिहानात है जो हर यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में अपने सेंटर पर करती है और इन दोनों इम्तिहानात को पास करने वाले कैंडिडेट सिर्फ सेम यूनिवर्सिटी ही में एमफिल या पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम मुनक्किद होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस एग्ज़ाम को पास करने वाला कैंडिडेट उस स्टेट में मौजूद हर यूनिवर्सिटी में एमफिल या पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होता है। जैसे मैंने 2015 में महाराष्ट्र का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव का सेट एग्ज़ाम में पहला क्वालिफायर हूँ उर्दू सब्जेक्ट से। उस वक्त जो मुझे लेटर मिला था उसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र और गोवा में मैं पीएचडी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हूँ, जबकि रेट और पेट इन दोनों इम्तिहानात में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ एमफिल और पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। जबकि आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आप सेम स्टेट में एमफिल पीएचडी के साथ साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल करार दे सकते हो। पेट और रेट में रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको सेम यूनिवर्सिटी ही में पीएचडी करना होगा और सेट में आपको ये आज़ादी है कि आप उस स्टेट की सभी यूनिवर्सिटियों में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र का किया है तो मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर औरंगाबाद, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव, मुंबई यूनिवर्सिटी मुंबई, स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी नांदेड़, यानी कि महाराष्ट्र में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती है मैं हर जगह अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन रेट और पेट वाले सिर्फ सेम यूनिवर्सिटी ही में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हासिल है वो नेट एग्ज़ाम को हासिल है जो कि इस वक्त अब NTA एजेंसी कंडक्ट कर रही है। नेट एग्ज़ाम क्लियर करने वाला कैंडिडेट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में नहीं, सिर्फ एक स्टेट में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती है हर जगह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमफिल के लिए और पीएचडी के लिए एलिजिबल होता है। वो जिस स्टेट में चाहे, जिस यूनिवर्सिटी में चाहे एमफिल या पीएचडी कर सकता है या वैकेंसीज डिक्लेयर होने पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये डिफरेंस है रेट में, पेट में, सेट में और नेट एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप रेट, पेट, सेट के साथ में नेट एग्ज़ाम को फोकस करो, इसलिए कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आप बकिया के सभी एग्ज़ाम में एग्जेम्प्टेड करार पाओगे, यानी ना फिर आपको रेट देना है, ना आपको पेट देना है, ना आपको सेट देना है। नेशनल लेवल का आप अगर एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो, इसके लिए आप सिलेबस को सामने रखें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सख्त मेहनत करें, पैटर्न को समझने की कोशिश करें, पेपर किस तरह आता है, पैटर्न किस तरह है, मैंने किस तरह एग्ज़ाम क्लियर किया, ये सभी लेक्चर्स हमारे नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप उसे देखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं और जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्रैक कर अपनी फ्यूचर को ब्राइट करने की कोशिश करें।